हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे यह शहर भाग गया, मीन्स मुझे यह शहर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे वो लड़की भाग गई। या नहीं तो कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं, लड़का कैसा लगा तुम्हें, यह शहर तुम्हें कैसा लगा, हमारा नया घर कैसे लगा। इसको समझते हैं, इसके मीनिंग को। सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड है जो विलेज में रहता है और आप सिटी में रहते हैं, आपसे वो मिलने आया है तो आप पूछते हैं कैसी लगी भाभी, रिसेंटली आपकी शादी हुई है तो आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं। चाहे किसी पर्सन के बारे में पूछेंगे या किसी थिंग के बारे में पूछेंगे, मीन्स सामान के बारे में पूछेंगे, चीज के बारे में पूछेंगे। वहां पर घर था, घर कैसा लगा और भाभी कैसी लगी, तो यहाँ पर भाभी पर्सन हो गई। और घर के बारे में पूछेंगे तो प्लेस हो जाएगा। और चीजों के बारे में पूछते हैं, तुम्हें मेरा मोबाइल कैसा लगा, अगर बोलेंगे तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मुझे भाग गया, तो सेंस वही है। चाहे हिंदी में कैसे भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं, आपको मीनिंग को देखना है। मीनिंग के हिसाब से उसके अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन भी होते हैं और भी आप उसको बोल सकते हैं, तो वो सभी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भा जाना कोई चीज या कैसा लगा कोई चीज, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ब यूज करते हैं फाइंड का। फाइंड का पांचों फॉर्म देख लेते हैं, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। आपको टेंसेस तो आते होंगे, आई होप आपको आते होंगे, क्योंकि हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। तो आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग टू आपको इस वर्ब को फिट करना है। सेंटेंसेस लेते हैं, तो आज का पहला सेंटेंस है कैसा लगा यह शहर, या नहीं तो ये शहर कैसा लगा। तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस सिटी, हाउ डिड यू फाइंड दिस सिटी। अब यहाँ पर मैं फाइंड बोल रहा हूँ, फाइंड। यहाँ पर जो है जब बोलते हैं सेंटेंसेस में तो फाइंड का साउंड सुनाई देता है, सामने वाला समझ जाएगा। यहाँ फाइंड नहीं बोल रहे हैं, फाइंड बोल रहे हैं, फाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा घर कैसा लगा तुम्हें। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस, हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे यहाँ एडजस्ट होने में काफी प्रॉब्लम होगा या काफी दिक्कत होगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही विल फाइंड इट वेरी प्रॉब्लमेटिक टू गेट एडजस्टेड ओवर हेयर, ही विल फाइंड इट वेरी प्रॉब्लमेटिक टू गेट एडजस्टेड ओवर हेयर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही विल फाइंड इट वेरी प्रॉब्लमेटिक मीन्स उसे यहाँ काफी प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें वहाँ काफी कठिनाई हो रही है या काफी दिक्कत हो रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आर यू फाइंडिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक ओवर देयर, आर यू फाइंडिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक ओवर देयर। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, उसमें वर्ब का एनजी फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पर फाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे यह शहर भाग गया, या कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे यह शहर बहुत ही अच्छा लगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई हैव फाउंड दिस सिटी अमेजिंग, आई हैव फाउंड दिस सिटी अमेजिंग, वंडरफुल। अब यहाँ पर देखिए, इसको मीनिंग के हिसाब से आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसका सेंस जो है आई हैव लाइक दिस सिटी अलॉट या आई हैव लव दिस सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मुझे वो लड़की बहुत खूबसूरत लगी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई फाउंड दैट गर्ल वेरी ब्यूटीफुल, आई फाउंड दैट गर्ल वेरी ब्यूटीफुल या स्टनिंग, गॉर्जियस। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या उसे लड़का पसंद आया। अक्सर पेरेंट्स किसी से पूछते हैं, जब मान के लिए लड़का देखने गया, लड़का से मिलने गया, मुलाकात करने गया, तो पूछते हैं अक्सर पेरेंट्स कि उसे लड़का कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। तो ये मीनिंग के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। पहला देखिए, हम लोग फाइंड से यूज कर सकते हैं हाउ डिड सी फाइंड द ग्रूम, हाउ डिड सी फाइंड द ग्रूम, यानी तो हाउ डिड सी फाइंड हिम। यहाँ पर लड़का का कहने का मतलब है दुल्हा, इसीलिए पर ग्रूम वर्ड का यूज किया। हिम लगा देंगे तो किसी लड़के से मिलने जाएगा। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, क्या उसने उसको पसंद किया, क्या उसको वो पसंद आया। तो इस सेंटेंस के आप ऐसे बोल सकते हैं डिड सी लाइक हिम या डिड सी लाइक द ग्रूम। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake, then I'll correct it. Thank you for watching my video and do not forget to share this video.